हेलो एवरीवन, मेरा नाम शबनम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वॉरियर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ पार्ट टू। पार्ट टू में मैं आपको बताने जा रही हूँ आप किस तरह से गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो आपकी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे कि अगर आपको कोई मैसेज आता है या कोई टेक्स्ट बुक है और वहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो लैंग्वेज वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, उर्दू में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो या चाइनीज़ में हो, या तो आपको वो समझने के लिए आप किस तरह गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो। आप स्कैन करके भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, या आपको मैसेज आया है तो आप मैसेज को कॉपी करके भी ट्रांसलेट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में से किस तरह हम ट्रांसलेट करके सारी स्टोरी पढ़ सकते हैं, ये कोई सिलेबस है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको समझ सकते हो आपकी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आती है। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अगर आप चैटिंग कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो किसी को, और सामने वाला आपसे इंग्लिश में बातें कर रहा है और आपको भी इंग्लिश में मैसेज भेजना है, उसे हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है या आपकी कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप किस तरह से गूगल कीपैड है उसका इस्तेमाल करके आप हिंदी में लिखोगे या मराठी में लिखोगे और सामने वाले को भेजोगे तो वो इंग्लिश में ही मैसेज जाएगा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होके। तो मैं आपको आज गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है गूगल ट्रांसलेट, तो मैंने ये डाउनलोड यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइमरी लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है और कौन सी लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई सिलेबस है और वो इंग्लिश में है तो मुझे वो हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो मेरा जो प्राइमरी लैंग्वेज है मैंने वो इंग्लिश किया क्योंकि वो मेरी टेक्स्ट बुक में मेरा जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है और मुझे उसको समझ के लेना है हिंदी में, तो मैंने यहाँ पे हिंदी किया। तो आपको जैसे यहाँ पे ऐड कर देना है और फिनिश कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई आर्टिकल को ट्रांसलेट करना है हिंदी में तो वो आर्टिकल इंग्लिश में है, तो मैंने ये आर्टिकल को कॉपी कर लिया है मेरे व्हाट्सएप से। ये आर्टिकल जो है न्यू दिल्ली की, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं पेस्ट करती हूँ आप देख सकते हो ये आर्टिकल इंग्लिश में थी और ट्रांसलेट होके हिंदी में आपको पूरा अच्छे से बता रही है, आप इसको पढ़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे हिंदी में नहीं चाहिए, मुझे मराठी में चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो मराठी, वो मराठी में ट्रांसलेट हो गई। मुझे उर्दू में चाहिए तो आप उर्दू करोगे उस पर क्लिक, तो ये पूरी आर्टिकल उर्दू में हो गई, उर्दू लैंग्वेज में हो गई। तो ये लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो ट्रांसलेट होके आ जाती है आपके पास। तो ये आप देख सकते हो कि ये तो मैंने आपको टेक्स्ट कॉपी करके और ट्रांसलेट करके बताया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इमेज है और उस पर आर्टिकल लिखा हुआ है या कुछ और चीज़ लिखी हुई है, कोई मैसेज है या कोई स्कूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों के, तो आप उसको भी इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मैं उसको बताती हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इमेज के जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करके उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, कैमरे का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है न्यू कैमरा ट्रांसलेशन, और यहाँ नीचे लास्ट में आप देख सकते हो कि ब्लू में लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो आपको इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आया है अलाउ ट्रांसलेट टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियोस, तो आपको अलाउ करना है। देख सकते हो कि जो ऐप है ये ऐप का स्कैनर ऑन हो चुका है, तो अभी हमें मैं ये इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कॉर्नर में, आप देख सकते हो राइट साइड में, तो उसको मैंने क्लिक किया, वापस से अलाउ का ऑप्शन आया है। जैसे ही आप अलाउ करोगे तो आपका मोबाइल जो है वो इस ऐप को एक्सेस देता है यूज़ करने के लिए, फ़ोटोज़ और मीडिया यूज़ करने के लिए। इसके लिए आप अलाउ करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो गैलरी है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक पहले से जो इमेज है वो डाउनलोड करके रखी है, एक छोटी सी स्टोरी है, तो हम उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। उसको मैंने क्लिक किया, देख रहे हो कि ये जो ऐप है ये स्कैन कर रहा है सारे वर्ड्स हैं, उसको उसने स्कैन कर लिया है। आप
एक पर्टिकुलर वर्ड को भी ट्रांसलेट कर सकते हो. यूज योर फिंगर टू हाईलाइट टेक्स्ट. आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है. अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट करना है तो आपको जस्ट आपकी फिंगर से उसके ऊपर टच करना है, रब करना है, तो आप देखोगे कि वो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है और ऊपर ट्रांसलेट होके भी बता रहा है. आपको अगर पूरा टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है तो सबको आपकी फिंगर से सारे टेक्स्ट को रब करोगे तो वो सिलेक्ट होता जाएगा ब्लू में और वो ट्रांसलेट होके ऊपर आता जाएगा. अगर आपको पूरा एक साथ करना है तो नीचे आप देख सकते हो लास्ट में एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल. आपको सिलेक्ट ऑल करना है. सिलेक्ट ऑल करते ही ये सारा टेक्स्ट जो है हमारा स्टोरी वो सिलेक्ट हो चुका है ब्लू में और ट्रांसलेट होके बता रहा है. आपको ये ट्रांसलेशन अगर देखना है तो आप यहाँ पे ब्लू जो एरो दिया हुआ है वहाँ पे जाना है. आपको उस पर क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करते हो आप देखते हो कि आपकी जो स्टोरी है वो ट्रांसलेट हो चुकी है हिंदी में. अगर ये सेम स्टोरी हिंदी में होती तो आप इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते, कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो. आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज दी हुई है ट्रांसलेशन के लिए. आप कोई भी भाषा में जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए इसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हो. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है उसके लिए आपको ऑफलाइन ट्रांसलेशन डिक्शनरी का ये आपको डाउनलोड करना होगा. यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है एरो में. तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करनी है आप वो लैंग्वेज को डाउनलोड कर सकते हो काफ़ी अच्छे से. और आपने इसको आपके ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है तो अगर आपसे ये डिलीट हो जाता है ये ऐप इन फ्यूचर और आपको सेम वही ट्रांसलेशन चाहिए या वही पैरा चाहिए या वही आंसर चाहिए तो आप वापस डाउनलोड करके सेम आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा. इसके अलावा आपको मैंने पहले बताया कि जो ऑफलाइन ट्रांसलेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफलाइन ट्रांसलेशन. आप कौन कौन सी लैंग्वेज को ऑफलाइन डाउनलोड करके रखे हो तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को ऑफलाइन डाउनलोड करके रखा है. तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डाउनलोड करना है हिंदी में और मैं पहले वाईफाई से डाउनलोड कर रही थी तो नहीं हो रहा था क्योंकि अभी मेरा वाईफाई कनेक्शन नहीं है. तो मैं वापस से डाउनलोड में जाऊंगी और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि यूज़ वाईफाई ओनली और यूज़ वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क. तो मैं ये सेकेंड वाले को मैंने क्लिक किया और डाउनलोडिंग में मैंने इसको डाल दिया तो वो डाउनलोड हो जाएगा और मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये डाउनलोड हो चुका है. इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपने जो भी पहले यहाँ पे सेटिंग की है कैमरे की या कुछ और अगर आपको उसको आपकी जो आपने जो भी ट्रांसलेशन किया है उसकी हिस्ट्री क्लियर करना है तो यहाँ से आप हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो. यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर हिस्ट्री तो आप उसको क्लियर कर सकते हो. यस करना है तो देख सकते हो जो भी मैंने ट्रांसलेशन किया था वो क्लियर हो चुका है. मैं आपको एक चीज़ मज़े की बता सकती हूँ कि आप बोल कर भी इसको ट्रांसलेशन कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको अलाउ करना है. अभी मैं एक्चुअली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी मोबाइल से ही वीडियो बना रही हूँ तो वो टेक्स्ट नहीं हो सकता है. लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, जो माइक का ऑप्शन है आप वहाँ पर जो बोलोगे वो टाइप हो जाएगा और जो लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन चाहिए वो ट्रांसलेशन होके आपके पास आ जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल. इसके अलावा मैं आपको बताऊं गूगल कीपैड कैसा इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कैसे हम इजीली टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं. अगर देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है.